वीकेंड पर आए नतीजे और मैं आपके सामने नतीजे रख दूँ। रेवेन्यू करीबन करीबन 7% कम होकर 816 करोड़ पर आया है। कामकाजी मुनाफा 86 करोड़ पर पहुंचा 3% की मजबूती के साथ। मार्जिन्स अच्छे इंप्रूव हैं 9.5 से 10.5% और मुनाफा 13% घटकर 54 करोड़ पर आता हुआ दिखा। तो एक शांत सा क्वार्टर रहा है ये कह सकते हैं इस तिमाही में प्राइज इंडस्ट्री के लिए। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर जोशीपुरा साहब, जो कि बिट्स पिलानी से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी आपने एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया है और कई सारी दिग्गज कंपनियों के साथ काम करने का लंबा गहरा अनुभव शिशिर साहब का है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। बड़ी शांत सी तिमाही रही है, ना कोई बड़ी उछाल ना कोई बड़ी गिरावट, क्या खास वजह रही सर इस तिमाही में नतीजों के पीछे? नमस्कार, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को शुभकामनाएं, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने कहा कि इस क्वार्टर थोड़ा, जैसे आपने बहुत अच्छा एक शब्द यूज किया, शांत क्वार्टर रहा, लेकिन कभी कभी शांति भी बहुत जरूरी होती है। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट कमिंग टू द सीरियस साइड ऑफ इट, आई थिंक जो आपने हमारा परफॉर्मेंस देखा उसमें काफी ये समझने की जरूरत है कि हम एक बहुत बड़ा प्लांट बिल्ड कर रहे हैं मैंगलोर में, हमारे सब्सिडरी प्लांट जेनेक्स के अंदर, जहाँ पे अभी हमारा सारा इन्वेस्टमेंट, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो अभी जा रहा है, लेकिन उसकी रेवेन्यू जो है वो भी अगले साल में आती दिखेगी, क्योंकि ये इसकी साइकिल ही ऐसी है कि पहले मुझे पूरी फैसिलिटी बनानी पड़ेगी, फिर उसे उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा उसके कस्टमर्स के पास में, और फिर जाके उसके अंदर से मैं ऑर्डर बुक करके उसको रेवेन्यू दिखा सकूंगा। तो एक ये कारण है कि हमारा इन्वेस्टमेंट आज हो रहा है, लेकिन हमारा जो रेवेन्यू है उसका रिकॉग्निशन शायद अगले साल इस फैसिलिटी से होगा, ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि जैसा कि आप जानते हैं, भारत स्पेशली डोमेस्टिक मार्केट के अंदर सरकार ने एक नीति का ऐलान किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि जो शुगर क्षेत्र है वहां पर उनको इस बात की परमिशन नहीं थी कि वो शुगर जूस और मोलासिस बी को फीडस्टॉक के तरीके से उसका यूज कर सकें एथेनॉल के उत्पादन के लिए। ऐसा ही FCI के राइस का भी हुआ था। ये दोनों आदेश करीब करीब एक साल पहले आए थे और उसके बाद में अभी उनको उनका रिवर्सल भी हो गया है। तो लेकिन रिवर्सल होने के बाद में अभी इंडस्ट्री का रिएक्शन उसका आना बाकी है, तो हम जैसे हम आगे चलते जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां से हमारी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जिसका काफी इम्पैक्ट हो सकता है, और ये सब अब जब ये रिवर्सल हो गया है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक बात है, तो ये आपके लिए रिजल्ट्स के लिहाज से पूरा क्वार्टर का विश्लेषण। शिशिर सर, एक और चीज़ जो मार्जिन्स पर मुझे दिख रही है वो इम्प्रूवमेंट होकर आई है, 9.5 से 10.5% इस तिमाही में आप मार्जिन बढ़ा पाए हैं, इसके पीछे वजह बताएं सर, क्या ये मेंटेन हो सकते हैं और सुधर सकते हैं? तो जैसा कि हमने कहा है कि हमारी यही कामना है, हमारा यही उद्देश्य है, हम काम भी इसी गोल के ऊपर कर रहे हैं कि हमारा मार्जिन इम्प्रूव हो। उसके लिए हमारी एक स्ट्रेटेजी जो हमने बताया है कि धीरे धीरे करके अगले 3 साल के अंदर हम हमारे जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बिजनेस का जो जो पाई को हम काटते हैं वो 18% इंटरनेशनल थी जब हमने शुरू किया काम, और 82% डोमेस्टिक मार्केट की थी, लेकिन उसका दूसरा ये कि सर्विस जो हमारा बिजनेस है उसके अंदर हमें काफी फायदा होता है कि हम सर्विस बिजनेस के अंदर अगर हम बढ़ा सके तो कस्टमर उसमें भी मार्जिन अच्छे रहते हैं। तो बात कर रहा था उसके बारे में भी, ये हमें पता है कि हम उसको आगे ले जा सकते हैं। तो ये जो हमारे क्षेत्र हैं जिसके अंदर हम अभी काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम हमारा सारा ध्यान लगा के रखे हमने रखा है, वो सबको अगर मद्देनजर आप रखें तो आपको यही समझ में आएगा कि हमारा हमारा सारा कार्य, हमारा फोकस इसी क्षेत्र में है कि हमारे मार्जिन कैसे हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक बात है, तो इस परफॉर्मेंस के लिए एक बार फिर से शिशिर सर आपको बहुत बहुत बधाई, आपको और आपकी पूरी टीम को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जल्दी अगले तिमाही के नतीजे पर आपसे फिर होगी मुलाकात। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। नमस्ते। छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस